दोस्तों, अल्लू अर्जुन की पुष्पाधर आइस को बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त पांचवा हफ्ता चल रहा है और ये फिल्म अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही और पांचवे हफ्ते में भी पुष्पाधर आइस के बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन आते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुष्पाधर आइस के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, इस हफ्ते रिलीज हुई नागार्जुन के बंगराजू के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे मेगा स्टार चिरंजीवी और रामचरण की फिल्म आचार्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तेलुगु फिल्म बंगर राजू के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं किंग नागा अर्जुन और उनके बेटे नागा चैतन्य। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को कल रिलीज किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड 1200 स्क्रीन के ऊपर। फिल्म को पब्लिक की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले और फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली है। जी हां दोस्तों, हमने प्रेडिक्ट किया था कि यह फिल्म अपने पहले दिन ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 12 करोड़ का करेगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बंगराजू फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है 17 करोड़ का। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बंगराजू फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 17 करोड़ का करके एक बड़ी ओपनिंग ले ली है। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को अच्छे रिव्यूज के चलते दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी मिली है और बंगराजू फिल्म अपने दूसरे दिन भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 15 करोड़ की रेंज में कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों बंगराजू फिल्म का शुरुआती दो दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है लगभग 32 करोड़ रुपए का। बता दो दोस्तों, फिल्म को जिस तरह की कमाई मिल रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट हो सकती है। वही दोस्तों बात करें फिल्म आचार्य के बारे में, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होगी और इस फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी डब में भी रिलीज किया जाना है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कोटला शिवा ने और इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं मेगा स्टार चिरंजीवी और मेगा पावर स्टार रामचरण। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म में काजल अग्रवाल, पूजा हेगड़े और सोनू सूद भी नजर आएंगे। दोस्तों आचार्य फिल्म को पहले रिलीज किया जाना था 4 फरवरी को, लेकिन आज आचार्य फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि आचार्य फिल्म अब 4 फरवरी को नहीं रिलीज होगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आचार्य फिल्म भी पोस्टपोन हो चुकी है और जितने भी रामचरण और चिरंजीवी सर के फैंस हैं उन सबको आचार्य फिल्म अब 4 फरवरी को देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की जो नई रिलीज डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में वो अनाउंस कर सकते हैं कि आचार्य फिल्म को अब कब रिलीज किया जाएगा। वैसे दोस्तों आचार्य फिल्म को हिंदी डब में आप देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वही दोस्तों अब अगर बात करें 2021 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा राज के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिले थे स्टाइल आइकॉन अल्लू अर्जुन और उनके साथ में थी रश्मिका मंदाना। बताना चाहूंगा दोस्तों, पुष्पा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त पांचवा हफ्ता चल रहा है और यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर सभी भाषाओं में रिलीज भी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों OTT पर लोग इस फिल्म को नहीं देख रहे और अभी भी पुष्पाधर आइस को लोग सिनेमाघरों में देखने जा रहे हैं और पुष्पा फिल्म अपने पांचवें हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें पुष्पाधर आइस के अब तक के टोटल हिंदी कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पुष्पाधर आइस ने अपने शुरुआती पहले हफ्ते में 26 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे हफ्ते में 20 करोड़ 20 लाख रुपए और तीसरे हफ्ते में 25 करोड़ 40 लाख रुपए, तो चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई थी 12 करोड़ 21 लाख रुपए और दोस्तों फिल्म ने पांचवें हफ्ते में अपने पांचवें शुक्रवार लगभग 75 लाख रुपए कमाए, वही पांचवें शनिवार यह फिल्म 90 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों अल्लू अर्जुन के पुष्पाधर आइस का अभी तक का हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका है 86 करोड़ 35 लाख रुपए, वही दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन सभी भाषाओं में 368 करोड़ का हो चुका है। बताना चाहूंगा दोस्तों, पुष्पाधर आइस सभी भाषाओं में सुपर डुपर हिट हो गई है और हिंदी वर्जन में तो पुष्पाधर आइस डबल ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जा चुकी है।